Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine. Our today's topic is multiplication. This is chapter number 4 and for class 4th. Okay? So, we'll solve word problems on multiplication. In our previous tutorial class, we had already solved word problems of multiplications, but we have some more problems of मल्टीप्लीकेशन ओके सो लेट्सटार्ट आर फर्स्ट प्रॉब्लम विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम हियर जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली अ बेकर बेक्स सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव केक्स इन अ डे हाउ मैनी केक्स डज ही बेक इन अर्मल इयर मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करने के लिए जब आप ये पढ़ते हो क्वेश्चन रीड करते हो तो कैसे आपको पता चलता है कि आपको ये सम मल्टीप्लाई ही करना है आपको इस प्रॉब्लम में मल्टीप्लाई ही करना है एडिशन नहीं करना सब्ट्रैक्शन नहीं करना आपको मल्टीप्लिकेशन ही करनी है इसमें मल्टीप्लाई करना है बिकॉज इन दिस प्रॉब्लम डिटेल ऑफ वन इज़ गिवन जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स उसमें हमें एक की डिटेल दी जाती है और हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है मैनी बहुत सारों की ओके यहाँ पर देखो क्लियरली इट इज़ रिटर्न क्लियरली अ बेकर बेक्स सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव केक्स इन अ डे एक दिन के बारे में बताया है एक दिन में बेकर कितने बेक्स बनाता है सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव हाउ मैनी केक्स डज़ ही बेक इन अर्मल ईर नाउ इन अ नॉर्मल ईयर फर्स्ट नंबर टो देव गिवन सेकेंड नंबर कहाँ पर है आप सोचोगे कि सेकेंड नंबर तो दिया ही नहीं है बट लुक एट दिस अ नॉर्मल ईयर कैन यू टेल मी हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ ईयर एक साल में कितने दिन होते हैं येस थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव एक नॉर्मल ईयर में थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव डेज होते हैं सो लेट्स स्टार्ट आर फर्स्ट स्टेटमेंट अब हम स्टेटमेंट लिखना शुरू करेंगे सल्यूशन में नंबर ऑफ नंबर ऑफ केक्स बेक्ड इन अ डे इज इक्वल टू Seven hundred and sixty five. Okay, next statement number of cakes baked in a year is equal to. सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव मल्टीप्लाई थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव बिकॉज ये आल राइट वन ईयर इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव डेज क्योंकि एक साल में थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव डेज होते हैं That's why we'll multiply 765 by 365. Okay, now we'll solve it here. Column, we'll solve it First, we'll write here 765. Then, below this, 365. Now, start the table, reading the table from one place. Five fives are 25.

विल पुट यीरो बिकॉज जस्ट रीड इट थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव द प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स इज सिक्सटी ओके इट इज़ इन टेंस प्लेस तो हम जब इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे तो हम यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे टेंस प्लेस से ही तो इसकी प्लेस सिक्स की प्लेस वैल्यू यहाँ पर सिक्सटी है तो इसकी वंस प्लेस में जीरो हम पुट करेंगे ओके नाव रीड द टेबल सिक्स फोर फाइव सिक्स फाइव ज थर्टी सो विल पुट

टू जीरो विल पुट योर हम जो थ्री हंड्रेड के टू जीरो हैं यहां पर लिखेंगे और जब हम थ्री का सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे थर्ड रो में तो थ्री की प्लेस वैल्यू जो है हंड्रेड प्लेस पे है उसका आंसर भी हम वहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे ओके नाउ थ्री फाइव सार फिफ्टीन वन केरी थ्री सिक्स आर एटीन प्लस वन नाइन्टीन वन कैरी थ्री सेवन जार ट्वेंटी वन प्लस वन ट्वेंटी टू ओके नाउ सॉल्व इट एट दी टोटल प्रोडक्ट जो हमने सब मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया है उसको हम सब यहाँ पर ऐड कर देंगे फाइनली ओके okay?

Okay, one carry over here, four plus one, five plus two, seven. Okay, now two, it will remain here. Okay, now what is वट द क्वेश्चन आज हाउ मनी केक्स डज़ ही बेक इन अ नॉर्मल ईयर नॉर्मल ईयर में मीन्स थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव डेज में वो कितने केक्स बना लेंगे जब वो एक दिन में सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव बना रहे हैं तो जस्ट रीड इट वन्स टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लेख इट मीन्स वो थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव डेज में टू लेख सेवेंटी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव केक्स बना लेंगे ओके सो लास्ट स्टेटमेंट इज दस देक बेक्स टू लैक्स सेवेंटी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव केक्स इन a normal okay okay we have another problem here just read it the cost of a laptop is rest 28590 find the cost of 78 such laptops okay जस्ट रीड इट केयरफुली उन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में आपके वन लैपटॉप की प्राइस ट्वेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड नाइन्टी है सेम टू सेम अगर हम ऐसे ही लैपटॉप परचेज करने के लिए जाएंगे अगर हमको ऐसे ही लैपटॉप लेने हैं इसी प्राइस के और सेवेंटी एट लेने हैं तो वो कितने के होंगे वन लैपटॉप की प्राइस ट्वेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड नाइन्टी है तो हमको कितने की और फाइंड आउट करनी है सेवेंटी एट सच लैपटॉप्स मतलब ऐसे ही लैपटॉप्स की सेवेंटी एट लैपटॉप्स की हमको रेस फाइंड आउट करने हैं प्राइस फाइंड आउट करने हैं सो इन आर सोल्यूशन फर्स्ट स्टेटमेंट इज कॉस्ट ऑफ वन लैपटॉप कॉस्ट ऑफ वन लैपटॉप इज इक्वल टू रेस Twenty eight thousand five hundred and ninety. Okay, so in next statement, cost of seventy eight laptops is equal to RAS twenty eight thousand five hundred and ninety multiplied by seventy eight. So we'll write it here in the column 28590 multiplied by 78 okay same above we'll multiply it in the ones place Hamlok ones place se start karenge multiply karna okay now 8 times 0 0 जब भी हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी डिजिट या किसी भी डिजिट को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं वील ऑलवेज गेट जीरो इट इज़ वी हैड ऑलरेडी लर्न इट इन आर प्रीवियस ट्यूटोरियल क्लास ओके नाउ एट टाइम्स नाइन एट नाइन आर सेवेंटी टू सो विल राइट योर टू एंड सेवन कैरी ओवर यके नाओ एट फाइव जार फोर्टी फोर्टी प्लस सेवन

ट्वेंटी टू ओके नाव इन नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट रो विल सॉल्व इट फ्रॉम विद द नंबर सेवन ओके सो वट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ सेवन यर सेवेंटी सेवेंटी एट तो सेवेंटी है सेवेंटी में टेंथ प्लेस में है सेवन कितने जीरो लगते हैं वन तो वन जीरो विल पुट योर जो वन ज़ीरो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे ओके okay? now we'll uh, solve it in the tens place seven zeros are now read it from this from 7 times 0 is equal to 0 okay now seven nines are 63 so we'll put your 3 and 6 here okay now seven fives are 35 35 plus 6 41 okay now one will write here and four carry over here now seven eights are 56 56 plus 4 57 58 59 60. so 0 will put here and 6 carry over here okay now seven twos are 14 14 plus 6 20. नाव एडिड मल्टीप्लीकेशन में हमें जो भी प्रोडक्ट मिलता है उसे हम फाइनली एड करते हैं प्लस करते हैं नाव एडिड जीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो टू प्लस ज़ीरो टू सेवन प्लस थ्री टेन कैरी ओवर एट प्लस वन प्लस वन टेन 1 carry over here, 2 plus 1, 3, 2 plus 0, 2, 2 will remain here. Okay, so cost of 78 such laptops is equal to 1 tens 100,000, 10, lakh, 10 lakh. Okay, 22 lakh. वन स् टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लेख टेन लैख एट्स ट्वेंटी टू लैख थर्टी थाउजेंड एंड ट्वेंटी ओके तो सेवेंटी एट लैपटॉप की प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी रेस ट्वेंटी टू लैख थर्टी थाउजेंड एंड ट्वेंटी सो इन लास्ट स्टेटमेंट विल राइट हैंड्स द Cost of seventy eight such laptops is Rs. twenty two lakh thirty thousand and twenty. Okay, like this you have to solve your. Rest of the question in your given in the worksheet. Okay? Bye bye. Have a nice day.